गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगा नॉलेज एकेडमी। तो आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ गया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कोहा। तो जैसा कि मैंने पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन का सिलेबस देखा तो उसमें एक टॉपिक था कोहा, और काफ़ी स्टूडेंट ने डिमांड की कि सर आप बाकी के टॉपिक को भी कराइए। तो जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो फिर मैं आ गया हूँ आपके लिए कोहा सॉफ्टवेयर लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं कोहा सॉफ्टवेयर। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मोर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं कोहा सॉफ्टवेयर की। कोहा इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूज्ड वर्ल्ड वाइड बाय ऑल काइंड ऑफ लाइब्रेरीज फ्रॉम पब्लिक अकेडमिक्स एंड स्पेशल लाइब्रेरीज। कोहा एक ऐसा प्रकार पहला और एक इस पर ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है जो कि विश्व के सभी लाइब्रेरीज में, चाहे वो पब्लिक अकेडमिक या स्पेशल लाइब्रेरीज, उसमें ये यूज़ होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेम ऑफ दी ILA become Koha from a term called Maori which means a gift or donation। तो जो कोहा शब्द है वो एक टर्म है Maori, उससे लिया गया है जिसका मतलब होता है गिफ्ट और डोनेशन। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक काफ़ी IMP है कि कोहा है वो किस शब्द से लिया है। तो कौन सा शब्द है? Maori। ये काफ़ी एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा सकता है, और ये भी पूछ सकते हैं कि जो कोहा है इसका मतलब होता क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है। तो गिफ्ट और डोनेशन याद रखना। तो समझ में आ गया ना कि कोहा एक ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है जो कि सभी प्रकार की लाइब्रेरीज में यूज़ होता है, चाहे वो पब्लिक हो, अकेडमिक हो या स्पेशल लाइब्रेरी हो। आई थिंक ये आपको ये पता है ना कि पब्लिक लाइब्रेरीज कौन होती है, अकेडमिक्स कौन सी होती है और स्पेशल लाइब्रेरी कौन होती है। पब्लिक लाइब्रेरी वो होती है जिसमें एनीबॉडी कैन एक्सेस, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, जैसे कि हमारी नेशनल लाइब्रेरी है। इसको अकेडमिक लाइब्रेरी में क्या क्या आता है? कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरीज, तो ये सब आएंगी हमारी अकेडमिक्स में। स्पेशल लाइब्रेरीज़ क्या होती है? जो स्पेशल किसी फील्ड में होती है, जैसे कि हम बात करें एक सोशल साइंस लाइब्रेरी हो सकती है, मेडिकल लाइब्रेरी होती है, तो ये क्या होगी? एक स्पेशल, जब स्पेशल ब्रांच की बात होती है तो इसमें हम स्पेशल लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये फिर देखते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। मौरी, कोहा शब्द है मौरी, उसका मतलब क्या है? गिफ्ट और डोनेशन। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ओरिजिनल ऑथर कौन है? कैटिपो कम्युनिकेशन। याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि जो कोहा सॉफ्टवेयर है हमारा, इसका ओरिजिनल ऑथर कौन है? तो ये लिखना है कैटिपो कम्युनिकेशन। डेवलपर्स कौन है इसका? कोहा कम्युनिटी। ये कब रिलीज़ हुआ? इनिशली ये रिलीज़ हुआ, कब ये स्टार्ट हुआ, कब ये आया, इस बात को पूछा तो जनवरी 2002 में ये आया था। कितने साल पहले? 21 साल पहले। स्टेबल रिलीज कोहा 2.0.11.05। इसमें रिपोजिटरी भी है। अब रिपोजिटरी की साइट क्या है? git.koha-community.org/koha-community। और रिटेन क्या है ये पूछा जा सकता है। याद रखिए जो कोहा सॉफ्टवेयर है किस लैंग्वेज में रिटेन है? तो पर्ल, जावास्क्रिप्ट और HTML। तो इसको शॉर्ट में याद रख लीजिए PJH। पर्ल, J से जावास्क्रिप्ट और S से HTML। ऑपरेटिंग सिस्टम, किस सिस्टम पे ये वर्क करता है कोहा? तो वो करता है लाइनेक्स पे। याद रखना जो कोहा है वो लाइनेक्स पे काम करता है। अवेलेबल लैंग्वेज कितनी है? 26 लैंग्वेजेस हैं जिस है ना, जो कोहा में अवेलेबल है। इसके बाद क्या है, किस टाइप का है सॉफ्टवेयर? इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। लाइसेंस इसके पूछ लेते हैं, JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। वेबसाइट आपको पता है ना,
देख लीजिए, वेबसाइट में भी क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं, जैसे कि कोहा, इस कोहा दे दें, इसमें है koha-community.org। अब जब वो एग्जामिनर होगा, वो जो ORG है, यहाँ पे हेर फेर कर सकता है आपको कंफ्यूजन करने के लिए। ORG की जगह .in लगा दे, .edu लगा दे, तो इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आइए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, अगर हम बात करें UGC नेट की, तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जेब्रा इंडेक्सिंग इंजन वॉज इंट्रोड्यूस इन 2005 विथ द रिलीज ऑफ कोहा 3.0 वर्जन। याद रखना, जो जेब्रा इंडेक्सिंग इंजन है, ये कब आया? 2005 में आया, और तभी रिलीज़ हुआ था कोहा 3.0 वर्ज़न। याद रखना, कोहा का 3.0 वर्ज़न आ चुका है, तो याद रखना कब रिलीज़ हुआ। UGC नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपके जितने भी एग्ज़ाम उसमें भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कब आया? कोहा 3.0 वर्ज़न 2005 में, और उसी टाइम आया था जेब्रा इंडेक्सिंग इंजन। आइए आगे बात करते हैं। कोहा 3.0 हैज़ बिकम अ स्टैंडर्ड वेबल स्केबल सॉल्यूशन फॉर ऑल टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। देयर आर अबाउट 47 लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड दैट द सॉफ्टवेयर इज एक्सेसिबल टू एंड हैज़ बीन पार्शियली ट्रांसलेटेड इन टू 62 लैंग्वेजेस। अब जो कोहा 3.0 है, ये जितनी भी आपके वर्ल्ड की लाइब्रेरीज हों, ठीक है, उसमें ये यूज़ होगा। और इसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं जो वर्ल्ड में, तो ये जो 47 लैंग्वेजेस हैं जो वर्ल्ड में, उनमें ये अवेलेबल है। और इसको ट्रांसलेटेड कितनी लैंग्वेज में कर सकते हैं हम? पार्शली ट्रांसलेटेड इनटू 62 लैंग्वेज में। द डेवलपर्स फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर है ऑलवेज इम्प्रूव इट्स फीचर विद द कोलैबोरेटिंग एफर्ट ऑफ द यूज़र कम्युनिटी थ्रू आ फीडबैक मैकेनिज्म। अब जब भी इसमें क्या होता है, जो कोहा कम्युनिटी है ना, और जो कोहा डेवलपर हैं, वो कोहा डेवलपर क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये जो हमारा यूज़र है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग फिट है या नहीं। अगर जो जो हम जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, उनको फीडबैक, वो फीडबैक मांगते हैं, उनको फीडबैक देते हैं, तो वो देखते हैं और हमारे लिए और भी इसको इजीबल बनाते हैं। तो फीडबैक के अकॉर्डिंग वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमाइज करते हैं, उस समय मैकेनिज्म बनाते हैं। इसके बाद द लेटेस्ट रिलीज इन कोहा वर्जन 3.22.08 विच वॉज रिलीज इन जून 2016। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं कि जो कोहा है, इसका जो लेटेस्ट वर्जन रिलीज़ हुआ है कौन सा है। तो याद रखना है 3.22.08 जो रिलीज़ हुआ है कब? 2016 में, जून 2016 में यूज़ हुआ है। कौन सा वर्जन है? 3.22.08। इसके बाद आइए हम देखते हैं कोहा की फीचर्स क्या क्या हैं। एक्विजिशन, कोहा हैज़ एक्विजिशंस मॉड्यूल विथ कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ रिकमेंडेशन ऑर्डरिंग रिसीविंग इनवॉइसिंग बजटिंग बुक फंडिंग सेटिंग सप्लायर्स एंड एक्सचेंज रेट। तो जैसा कि आपको पता है, आपने काम क्या होगा कि कोहा है, को में जो एक्विजिशन सेक्शन है, उसमें इस टाइप के काम होते हैं कि हमें जब भी हम बुक्स को परचेसिंग करनी है, उसकी एक्सेसिंग करनी है, ऑर्डर भेजने हैं, बजटिंग करनी है, इनवॉइस बनाने, तो हम एक्विजिशन में करते हैं। तो ये एक्विजिशन एक फ़ीचर इसमें हमें देखने को मिलता है। उसके बाद सर्कुलेशन मॉड्यूल मिलता है। सर्कुलेशन अ कंप्लीट फीचर एंड पावरफुल सर्कुलेशन मॉड्यूल विद कस्टमाइज सर्कुलेशन रूल टू सूट एनी काइंड ऑफ लाइब्रेरी इट फुल ऑटोमेटेड द बोरोविंग इट आइटम मैनेजमेंट। ये क्या है, ये कस्टमाइज भी कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, इसमें ये फीचर प्रोवाइड करते हैं। और सर्कुलेशन में तो आपको पता ही होगा ना कि इशू चेक इन एंड चेक आउट करते हैं, इशू और रिटर्न को हम चेक इन चेक आउट भी बोलते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो आपको ये इस प्रकार की जो टर्मोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद ओपैक तो आपको पता है, जैसे कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, वहाँ पे ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, यहाँ पे वैसे मैनुअल नहीं जाना पाता है, सीधा यूज़र जाएगा और ओपैक में उसको सर्च करेगा, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा एक्सेसिबल कर सकता है। फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग,
Koha provide access to RDBMS to report can be easily customized and prepared as per the individual requirement. आप individual requirement के according आप report generate कर सकते हो, है ना, उसके जो database RDMS जो database उसमें से. उसके बाद है customizable item type. The catalog item can be adopted as per the preference and requirement of the individual libraries. आप जो आप अपनी इंडिविजुअल लाइब्रेरी देखो, आप जैसा उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हो उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो. इसके बाद है बारकोड RFID. आपने देखा होगा जो लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ पे RFID इंप्लीमेंट होती है, बड़े बड़े गेट्स, वो RFID गेट्स लगे होते हैं जिससे कि बुक चोरी ना हो. तो जो भी आप बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज उसमें आप ये चीज़ देख सकते हो. काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और इसमें अगर बुक भी हमारी गुम जाती है तो हम इसको आसानी से देख सकते हैं. एक डिटेक्टर होता है RFID में, अगर आपकी कोई मिसप्लेस है या कोई बुक मिल नहीं रही है तो आप उसको ऑन करो, उसका उसमें आप नंबर डालो जो भी उसका आप एक्सेशन नंबर है, देन उसके बाद उसको सर्च करो तो वो पता चल जाती है कि कहाँ पर है. इसमें टैग लगे होते हैं, एंटीनाज यूज़ होते हैं, EM यूज़ होते हैं. तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि लाइब्रेरीज में हमें देखने को मिल रही है. आज के अगर हम बात करें तो आज की लाइब्रेरी इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं. यूज़र मैनेजमेंट, हम यूज़र को मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसका डेटा है उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसकी प्रोफाइल्स बनाना, उसका जितना भी डेटा है उसको मैनेज कर सकते हैं. मेटा डेटा बनाता है. स्टैंडर्ड कोहा Mark 21 जो स्टैंडर्ड उसको यूज़ करता है, इसमें यूनिमार्क Z39.50 SRU/SW SIP2 एंड मैनी मोड आर सपोर्टेड. काफ़ी स्टैंडर्ड हैं जो मैंने अभी आपको देखा है, ये स्टैंडर्ड इसमें सपोर्ट करते हैं. ऑटोमेटेड ओवरड्यू नोटिस, इसमें क्या है, ऑटोमेटिक, जैसे कि अगर कोई यूज़र है ओवरड्यू हो रहा है तो उसको ऑटोमेटिक एक मैसेज भेजता है कि आपकी डेट की डेट ये थी और अभी ओवरड्यू हो रहा है. तो अगर आप विद इन टाइम पीरियड अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो आपको ओवरड्यू चार्जेस लगता है. तो ये पहले से ये फीचर काफ़ी बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि यूज़र भूल जाता है कि कब सबमिट करना है, तो इस फीचर के थ्रू उसको पता चल जाता है कि जो बुक है उसकी डेट निकल चुकी है, निकलने वाली है, आप इसको सबमिट कर दो. इसके बाद और ये कैसे ईमेल और SMS के थ्रू ये उन्हें बताता है. कंसोर्शियम मोड है, द ILS कैन वर्क एज मल्टी ब्रांच और सिंगल ब्रांच मोड इन द कंसोर्शियम मोड. ट्रांजेक्शन कोहा इज ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज एंड इट अवेलेबल नियरली 62 लैंग्वेजेस. इसके बाद है ऑफलाइन सर्कुलेशन, कोहा ऑल्सो प्रोवाइड प्रोविजन टू डू ऑफलाइन. इसके बाद है सर्कुलेशन है सेल्फ, उसके बाद सेल्फ चेक है, कोहा ऑल्सो फैसिलिटेटेड टू द यूज़ विथ SIP2 कंप्लेंट सेल्फ चेक इन चेकआउट मशीन. इसमें क्या है, जो कोहा है अब इसमें जो फैसिलिटी दे रहा है कि आप सेल्फ चेक कर सकते हो, सो सेल्फ चेकआउट कर सकते हो. इसके बाद है फैसिलिटेटेड सर्चिंग, कोहा प्रोवाइड द फैसिलिटेटेड सर्च रिजल्ट विच आर क्लासीफाइड फॉर इट्स यूज़र. जो यूज़र के लिए जो क्लासीफाइड है तो ये फेड रिसर्च के द्वारा वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है. इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये आई है, कोहा लिब लाइम कोहा. ये शब्द आपने पहली बार सुना होगा, लिब लाइम कोहा. तो लिब लाइम कोहा इज़ द मोस्ट लीडिंग रिलायबल ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट एंड इज़ यूज बाय हंड्रेड ऑफ लाइब्रेरीज वर्ल्ड ओवर and it is completely web based and requires no software to install on desktop computers or servers. देखिए जो कोहा हम पहले यूज़ करते थे वो तो वो बोला तो अपडेटेड तो नहीं हुआ है, काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई. और ये जो आप टेक्नोलॉजी आ रहा है इसके लिए आपके लिए ये वर्ल्ड ये जो लिबलाइम कोहा है ये क्या है, वेब बेस्ड है. आपको किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी का आपको सर्वर चाहिए. ये किस पर होगा, ये क्लाउड बेस्ड पर होगा. जैसा कि आपको बताऊं कि जो आजकल की जो लाइब्रेरीज हो रही है वो क्लाउड बेस्ड हो रही है. जो भी हमारा डेटा है वो क्लाउड पे स्टोर होने लगा है. जैसा कि आपने देखा होगा क्लाउड IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना उसकी जो आपने टाइप्स देखे हैं तो उस टाइप को आप इसमें देख सकते हो कि जो लिव लाइफ को है अब ये वेब बेस्ड हो गया है.
तो ये किस पे वेब बेस्ड है, और इसमें हमें किसी भी प्रकार की सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई सर्वर की। यूजिंग क्लाउड होस्टिंग एनवायरनमेंट देयर इज़ नो नीड ऑफ सर्वर मैनेजमेंट और आईटी रिसोर्स इन द लाइब्रेरी। हमें ना तो कोई आईटी रिसोर्स चाहिए पड़ेगा और ना ही कोई सर्वर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक अच्छा बेनिफिट है कि जो एक्सपेंसेस होते थे वो कम हो जाएंगे। और अपग्रेडिंग बैकअप एंड सिस्टम मेंटेनेंस आर मैनेज बाय दी लिबलाइंस आईटी एक्सपर्ट। जितने भी जो लिबलाइंस के जो आईटी एक्सपर्ट हैं वो इसका बैकअप, इसको अपग्रेड करना पूरा मेंटेन यही करेंगे। कोहा, अब ये देखिए कोहा वाई वाटर सॉल्यूशंस, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इन 2009 जून वाई वाटर सॉल्यूशन वाज स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्लाइंट गुडविन कॉलेज एंड नाउ हैज अ पार्टनर बेस ऑफ ओवर 800 लाइब्रेरीज मेकिंग देम वन ऑफ द लार्जेस्ट कोहा सर्विस प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड। आपको कुछ नहीं, ये याद रखना है इन 2009 जून वाटर सॉल्यूशन ने स्टार्टेड किया था। वे वाटर सॉल्यूशन क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है कोहा का, ये याद रखो बस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसमें मैंने प्रेजेंट और जो लेटेस्ट अभी अपडेट हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ़ रहिए।